मेरी जान मेरी शान पहचान सा लगे स्वाभिमान अभिमान मुस्कान सा लगे और राजस्थान फिल्म फेस्टिवल सिक्स्थ अवार्ड सेरेमनी जो कि इस बार पांच दिन का एक फेस्टिवल है उसके थर्ड दिन में हम लोग यहां पर मौजूद हैं टैगोर पीजी गर्ल्स कॉलेज में और आज हमारा लास्ट थिएटर प्ले है थर्ड थिएटर प्ले इस साल पूरा फेस्टिवल 5 days का हुआ और शुरुआत के दो दिन यानी कि 25 और 26 तारीख को सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी में 25 तारीख को हमारी ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी हुई जहां पर अनिरुद्ध दवे जो एक्टर है वो वहां पर मौजूद है हमारे साथ के सीरीज प्रोडक्शन हाउस का सौगात तेरी एक बहुत ही खूबसूरत नया सॉन्ग का टीजर लॉन्च वहां पर हमने किया उनके साथ और सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने एक बहुत ही खूबसूरत सा प्ले हमें वहां पर देखने का मौका दिया नेहा श्री नाम जो कि राजस्थानी क्वीन कहलाई जाती है और सितिज कुमार सर जो कि एक वेल नोन राजस्थानी एक्टर है और उसके साथ एक ब्रिलियंट थिएटर आर्टिस्ट है वो भी वहां पर मौजूद थे आज भी हमारे साथ यहां पर वो हस्तियां मौजूद रहेंगी नेहा श्री नाम सितिज सर उनके साथ मौजूद होंगे अरविंद वागेरा सर कौन कौन जानता है अरविंद वागेरा सर को आई गेस काफी सारे लोग जानते होंगे एक बहुत ही बड़े और वेल नोन राजस्थानी एक्टर है और अगर आप लोग राजस्थानी मूवी नहीं देखते तो नच बलिए सीजन 5 तो आपने जरूर देखा होगा अपनी वाइफ के साथ फाइनलिस्ट रहे थे मिस्टर एंड मिसेस वागेला फाइनलिस्ट थे नच बलिए सीजन 5 के एक बहुत ही बेहतरीन राजस्थानी एक्टर है आने वाली फिल्म टाइगर ऑफ राजस्थान उनकी कुछ ही दिनों में रिलीज होने वाली है बहुत ही प्यारी मूवी फाइट फॉर फ्रीडम एक बहुत ही शानदार मूवी उनके आने वाली ऑन द वे है और हमारे गेस्ट भी अभी ऑन द वे है यहाँ पर हमें थोड़ी सी देर में ज्वाइन करेंगे उससे पहले मैंने सोचा कि ये जो अपॉर्चुनिटी है वो मैं आप सभी को थोड़ा सा राजस्थान फिल्म फेस्टिवल के बारे में बताने के लिए लूँ राजस्थान फिल्म फेस्टिवल आज से 5 साल पहले संजना शर्मा मैम ओनर एंड फाउंडर ऑफ के सीरीज प्रोडक्शन एंड राजस्थान फिल्म फेस्टिवल उन्होंने 2013 में इसकी नींव रखी राजस्थान फिल्म फेस्टिवल के दो ही बड़े मोटिव हैं दैट इज टू अपलिफ्ट द राजस्थानी कल्चर टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू राजस्थानी आर्टिस्ट और जो कलाकार राजस्थानी संस्कृति को बढ़ावा देना चाहते हैं उनको एक प्लेटफॉर्म देने का काम राजस्थान फिल्म फेस्टिवल 2013 से अभी तक कर रहा है आज 5 साल बाद ये हमारा 6th संस्करण है 6th अवार्ड सेरेमनी है राजस्थान फिल्म फेस्टिवल की जो की होगी मान पैलेस में 29th ऑफ सितंबर को एक बहुत ही खूबसूरत अवार्ड शो वहां ऑर्गेनाइज होता है जहां पर राजस्थान इंडस्ट्री से ही नहीं बल्कि बॉलीवुड से भी काफी हस्तियां हमें वहां ज्वाइन करती हैं शाम को और आप सभी से भी गुजारिश है कि अपने दोस्तों के साथ अपने परिवार के साथ 29th ऑफ सितंबर की शाम को आप सभी भी हमें वहां पर ज्वाइन करें मान पैलेस में वैशाली के पास एक बहुत ही खूबसूरत वेन्यू है मुझे लगता है आप मेरे ज्यादा लोग जानते होंगे एंड सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि हम लोग एक रीजनल सिनेमा के लिए काम कर रहे हैं एक रीजनल अवार्ड शो के लिए काम कर रहे हैं तो वहां पर किसी भी तरह का कोई भी एंट्री चार्जेस नहीं है हमने जब यहां पर प्रमोशन एक्टिविटी आपके कॉलेज में करी थी कौन कौन लोग मौजूद थे कोई था प्रमोशन एक्टिविटी में जब हम लोग यहाँ पर आए थे आज से पहले अरे वाह बाकी सब लोग छुट लेके घर बैठ लेंगे चलिए थैंक यू सो मच जैसा कि मैंने आपको प्रमोशन एक्टिविटी में बताया था 28th ऑफ सितंबर को यानी कि हमारे लाइव अवार्ड शो से एक दिन पहले इंटर स्कूल इंटर कॉलेज डांस कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज हो रहा है जहां यहां से भी टीम आ रही है आप सभी से भी गुजारिश है 28th ऑफ सितंबर को संस्कृति ऑडिटोरियम मानसरोवर में ये कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज हो रहा है आप सब वहां पर भी इन्वाइटेड है अपने कॉलेज के टीम जो यहाँ से आ रही है उनको थोड़ा मोटिवेट करने के लिए आप सभी भी 28th सितंबर को संस्कृति ऑडिटोरियम मानसरोवर में आ सकते हैं वहां पर आके आप अपने टीम को अपने फ्रेंड्स को थोड़ा मोटिवेट कर सकते हैं थोड़ा शेयर कर सकते हैं और काफी मजा आने वाला है वहां पर भी राजस्थान से काफी सारे स्कूल से कॉलेज की टीम आएगी और जो कम्पीट करेगी और जीतने वाली टीम को दिए जाएंगे कैश प्राइजेस 21,000 rupees एंड 11,000 rupees तो पूरा फेस्टिवल जो है उसके दो दिन आज खत्म हो चुके हैं तीसरे दिन यहाँ पर भी आपके फ्रेंड्स आपके स्टूडेंट्स अभी थोड़ी देर में एक बहुत ही शानदार टॉपिक पे एक थिएटर परफॉर्म करेंगे और सर्टिफिकेट्स और ट्रॉफी के अलावा 5,000 rupees कैश प्राइज में
यहाँ पर एज अ पार्टिसिपेशन अमाउंट दिया जाएगा उनके हार्ड वर्क के लिए और इतना अच्छे खेल पे हम लोग एंजॉय कर देने के लिए एंड थोड़ा सा राजस्थान फिल्म फेस्टिवल में और बातें करेंगे जब हम पर जजेस हमें ज्वाइन करेंगे नेहा श्री मैम एंड शितिश एंड अरविंद वागेरा सर हमारे साथ यहाँ एज जूरी मेंबर्स मौजूद होंगे उनके साथ संजना शर्मा मैम एंड अनिल जैन सर जो कि है प्रोग्रामिंग हेड ऑफ राजस्थान फिल्म फेस्टिवल वो दोनों भी हमें यहाँ ज्वाइन करेंगे और दीप प्रज्वलन के बाद हम लोग थिएटर चार्ज करेंगे उसके बाद थिएटर खत्म होने के बाद कुछ कमेंट्स के लिए मैं जजेस को स्टेज पर बुलाऊंगा और उसके बाद हम लोग आज की इवेंट एंड करेंगे आप सभी को मैं चाहूंगा कि 29 सितंबर को भी हम लोग वहां मिले मान पैलेस में आप सभी आए हमारा शो एंजॉय करें टीचर्स को हमने वैसे इन्वाइट कर दिया है स्टूडेंट्स को ऑफिशियल इन्विटेशन हम अभी दे देते हैं कुछ पासेस हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है जो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं एंड अगर आप लोग डायरेक्ट वेन्यू पे भी आना चाहें तो वेन्यू पे भी आप कुछ डिटेल्स देके वहां पर भी पास ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री है किसी तरह के चार्जेस नहीं है और कुछ ही देर में हमारे जो जजेस हैं वो हमें आज के इस इवेंट में पका चुके हैं और सर आपको राजस्थान फिल्म फेस्टिवल से हार्दिक स्वागत है चावी सर एकदम आप सभी से गुजारिश है कि दीप प्रज्वलन के लिए आप तैयार रहें अभी कुछ ही देर में आज का ये थिएटर प्ले हम लोग वहां पर भी यहां से आने वाली डांस टीम को मोटिवेट करने के लिए आप लोग आ सकते हैं एंजॉय कर सकते हैं वो डांस कॉम्पिटिशन भी संस्कृति ऑडिटोरियम में आप सभी इनवाइटेड हैं और उसके बाद द फाइनल यानी 29th ऑफ सितंबर को लाइव अवार्ड शो जो कि होने जा रहा है मान पैलेस विशाली के पास गाजीपुर में बहुत ही खूबसूरत वेन्यू है वहां पर भी आप सभी अपने परिवार के साथ इनवाइटेड हैं दीप प्रज्वलन हो चुका है आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मैं चाहूंगा कि सदस्य मैम हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर्स को बुके देके उनका फॉर्मल वेलकम एक बार करें एंड आप सभी से वापस बहुत बहुत धन्यवाद किया हमारे साथ यहाँ जुड़े एंड मैं चाहूंगा कि कॉलेज से हमारे साथ प्रिंसिपल मैम और वाइस प्रिंसिपल मैम यहाँ पर जुड़ चुकी हैं सुशीला शर्मा मैम मैं आपसे चाहूंगा कि प्लीज स्टेज पर आ जाए सुशीला दास मैम प्लीज हमें यहाँ पर लाइव हमारे साथ आपके कॉलेज के प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल मैम यहाँ पर मौजूद है आज के थिएटर प्ले के लिए ये भी आप स्टूडेंट्स को कुछ कमेंट्स देंगी आफ्टर द प्ले और उनको बताएंगी कि किस तरह से प्ले पूरा हुआ है बहुत बहुत शुक्रिया आज का इस थिएटर प्ले का जो टाइटल है वो बहुत ही अनोखा सा है क्योंकि थिएटर प्ले का टाइटल है जगह राजस्थान आप में से कितने लोग हैं जो राजस्थान की भाषा यहाँ के कल्चर को पसंद करते हैं एक बार आप बताएंगे बहुत बहुत बढ़िया मैं नीतू कुमार जैन प्रोग्रामिंग है राजस्थान फिल्म फेस्टिवल 2018 के 6th एडिशन का हमारा थर्ड डे है मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ साथ ही कॉलेज टीपीएस कॉलेज की जो मैनेजमेंट कमेटी है जिन्होंने हमारे साथ एसोसिएट होकर ये हमारा सहयोग किया उसके बहुत धन्यवाद आज हमारा जो प्ले होगा प्ले की जूरी हमारे साथ है इस जूरी बहुत बॉलीवुड से हमारे साथ आए हुए हैं मिस्टर अरविंद बाघेला जी पक्की हिमोगिरी राजू राठौर श्रीमान अरविंद जी बाघेला साथ ही हमारे साथ हैं प्रोड्यूसर और एक्ट्रेस नेहा श्री जी जो राजस्थानी फिल्में और भोजपुरी की बहुत बड़ी हस्ती हैं और राजस्थानी सिनेमा को आगे प्रमोट करने के लिए एक हमेशा आगे रहता संघर्ष कर रहे हैं और अपना नाम काफी उच्च तक ले गए हैं श्रीमान सुतीन जी कुमार और राजस्थान फिल्म फेस्टिवल की फॉर्मर एंड डायरेक्टर श्रीमान संजय शर्मा तो मैं आप लोगों के बताना चाहूँगा कि हमारा जो 5 दिवसीय जो फेस्टिवल है इसका मुख्य उद्देश्य है राजस्थानी भाषा कला और संस्कृति को आगे बढ़ाना और हम लोगों ने 1 महीने के साथ जो स्कूल में एक्टिविटीज करी है और कॉलेज में जो प्ले किए हैं इसका फाइनल जो है वो कल 28 को संस्कृति ऑडिटोरियम में होगा तो आप सब लोग कल आकर के इस
फेस्टिवल को और आगे बढ़ाए। जय जय राजस्थान। बहुत बहुत शुक्रिया जैन सर, आपने काफी कम शब्दों में काफी कुछ बता दिया है। बिल्कुल टाइगर ऑफ राजस्थान एक बहुत ही शानदार सी मूवी ऑन द वे है आप सभी के लिए, अरविंद सर की। सर आपको बहुत बहुत बधाई, उस मूवी सुपर हिट और सक्सेसफुल रहे। एंड उसी के साथ वर्ल्ड टूर कर चुके सिद्धेश सर भी हमारे साथ यहाँ मौजूद है। इनका प्यार राजस्थानी सिनेमा और भाषा की तरफ बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। उसी के साथ राजस्थानी क्वीन कहलाए जाने वाली नेहा श्री मैम आज यहाँ जूरी मेंबर के साथ, श्रद्धा शर्मा मैम भी यहाँ पर है। और आज का प्ले बहुत ही शानदार होने वाला है, टाइटल बहुत यूनिक है। तो प्ले शुरू करने से पहले वी आर हियर ऑन द बिहाफ ऑफ बीका जी, असली बीकानेरी प्रेजेंस, ओसवाल सोप ग्रुप, अ सिंबल ऑफ क्वालिटी इन एक्सेलेंस सिंस 1956, राजस्थान फिल्म फेस्टिवल 6th अवार्ड सेरेमनी पावर्ड बाय सिद्धि अनंता ग्रुप। सबने आपके शुरुआत हमारे इन एसोसिएशन विद न्यूज 18 राजस्थान, Associated Partner J.K. Masala, Royal Footwears, Money Plant, Puducherry Tourism and Shiv Jewelers। और आप सभी के लिए एक बार खुद के लिए ताली बजा लो। आप बहुत ही शानदार और आप बिल्कुल ही टाइम ना गवाते हुए मैं माइक और स्टेज हैंड ओवर करता हूँ हमारे आज की थिएटर की टीम को। और प्लीज एक बार इन सभी के लिए स्वागत आने हो जाए। बैक टू बैक आपके सामने होंगे एक फिर से ड्राइव। Participants are Sheetal as girlfriend, Sapna as friend, Himanshu as road, Priyanka as watch, Nikita as bike, Mayanka as main lead, Richa as mother, Anishka as doctor, Tanu as policeman, Monica as Linda. Please big round of applause for our participants. Thank you.
Thank you.
नहीं, मैं सोच रहा हूँ वर्ल्ड डिपार्टमेंट
में भी कॉम्बिनेशन लॉन्च कर देंगे। एक काम कर, करके साहब को फोन कर दे, वो शादी ब्याह से लेकर कफन काटने तक सब अरेंज कर देते। सही कह रहे हैं यार तू। हाँ क्या यार विकास, तू तो कहता तेरे पास
कब तक पहुंचेगी यार? यहाँ तो सुबह से चार आदमी भी नहीं जुटे, कम से कम तू तो आता था यार। आज मैं बीवी के साथ सफाइयों में फंसा ना होता तो जरूर आता। अच्छा सुन, तू एक काम करना, जब शमशान घाट तक पहुंचाऊं तो मुझे एक मिस कॉल मार देना। हाँ हाँ, तभी दोस्तों ने मुझे ये जिम्मेदारी तो दी है, मैंने तो एक एस्टिमेट बना लिया। वी रीच एट शमशान घाट, प्लीज कम सून। जैसे ही शमशान घाट पहुंचेंगे मैं ये एस्टिमेट ग्रुप में डाल दूंगा। ओके यार थैंक्स। चल ठीक है। यजमान मेरा समय बहुत खराब हो गया है, मैं तो जा रहा हूँ, मेरी और भी अपॉइंटमेंट है। नहीं नहीं, एक काम करो, तुम व्हाट्सएप पे हो क्या? चलो रहने दो, वो आजकल नया चला है ना गूगल, क्या कहते हैं उसको, गूगल। हाँ तुम उसमें मुझे वीडियो कॉल कर लेना और मैं वहीं पे सब करवा दूंगा। वो तो मुझे पेटीएम कर देना। नहीं बेटा, मैं तो कब का मर चुका हूँ, पर अब मुझसे तुम्हारी ये चिंता देखी नहीं जा रही। तुम भी मुझे उस शमशान घाट का पता बता दो, मैं खुद जाकर अपनी पता के लेकर आऊँगा। ये राजस्थानी सिनेमा का प्यार है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सब एक दूसरे को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। बट जी मैम, तो राम राम, और बहुत अच्छा प्ले था। जैसे हमारी छोरियां छोरों से कम होनी, तो अपनी लड़कियों ने लड़कों का जो प्ले किया है और डायलॉग्स बोले हैं, बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी थी। वो साइलेंट जो उन्होंने परफॉर्म किया वो बहुत अच्छा था, और हेलमेट को लेके जो उन्होंने पूरा प्ले किया को लेके बहुत अच्छा था। ये सीख है, एक मैसेज जो आजकल चल भी रहा है कि अगर हेलमेट की में झुकने से परिवार को कितना नुकसान होता है, और अगर हेलमेट लगाया होगा तो उनकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बहुत ही अच्छा था, और दादाजी वाला तो हंस के बात है कि ईच एंड एवरी कैरेक्टर जिन्होंने भी जो भी सब आर्टिस्ट थे बहुत अच्छा प्ले, बहुत अच्छा एक्ट किया। बॉडी लैंग्वेज से लेके उनकी परफॉर्मेंस तक बहुत अच्छी लगी मुझे, और आई एम प्राउड कि गर्ल्स कॉलेज में इतना अच्छा प्ले हुआ है, क्योंकि मैं खुद एक लड़की हूँ और हमेशा से लड़की को सपोर्ट करती हूँ। अच्छा थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू प्रिंसिपल मैम एंड टीचर्स जो इतने टैलेंटेड गर्ल्स आपके कॉलेज में हैं। रियली मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि आरएफएफ संजना नाम की वजह से आज मैं यहाँ पर आई, और इतना अच्छा मुझे मौका मिला, और इतनी प्यारी गर्ल्स के बीच में मैं बैठी हूँ। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। कमलगढ़ी साहब अलाउ करो, क्योंकि मैं कई जगह गया हूँ राजस्थानी में, जहाँ पूछा है कि भाई कौन कौन जानते हैं, तो उठे हाथ उठा तो मैं पाचा में मुड़ते क्यों, मैं सोचो मेरा भी ग्राहक है, क्योंकि मैं पूरी जिंदगी राजस्थानी फिल्म करी है, और आप लोगों ने फिर रेस्पेक्ट बोलूँ थोड़ा सो राजस्थानी का मायने, जी टाइम साउथ की फिल्म कमजोर होती मेरे बहुत पावरफुल रहा, और अरविंद जी, नीलू जी, नीलू जी मेरी भाभी थी, अब तो मैं भी ससुरों से लागे लागे हूँ। तो सुपात्र बिन्नी, रामचन्ना, बौड़े पंडित, बहुत सारी फिल्में हैं अभी चल रही हैं, माँ पगड़ी वगैरह, और अरविंद जी की मैं फिल्म मेरे और राजू राठौर, कहना तो मतलब है कि टैगोर हमेशा ही एजुकेशन का मायने आपकी एक जगह रखी है, और आज उस सब्जेक्ट देखता हूँ यहाँ मैंने महसूस हुई कि टैगोर ने हुई है। ड्रामा में बहुत सी चीज़ें हुई है, मैं लंदन हूँ तो चूंकि मैं गांव से हूँ, कोई पड़ोस को भी मुड़ दो अगर हो जावे तो मैं लोग भागड़ जाता, कि शाम नहीं ढल जावे, कोई है कोई बटे औरता रोग की
तुम्हारी माँ भाभी मेरा पति जाके वहाँ डार्टेस देती और बी के बीच में एक कैरेक्टर हो मेरी काकी को तो जब कोई बड़ो बुजुर्ग मर जाते तो मैं छोटो हूँ माँ के पास बैठे रहते तो वो पानी लगा रहा था क्या कोई घूंघट में कर लेती और कोई आओ जो रहे मारा दादो जी रहे हैं और अगर कोई नहीं आओ तो मैं उसको बोलता था काकी तू त्रुटी रो है तो मेरे को अलग करती थी कि सारा सिस्टम पहले भी था लेकिन लंदन में जो मेरे को शॉकिंग लगा वो ये लगा वहाँ एक आदमी मर गया था मेरे ऑफिस के पास से ही तो मैंने कहा कि आप चले जाइए ये आपका अजीज और है बोले तो आई डोंट हैव टाइम आई हैव टू डू दिस एंड दैट मैं बोलियो कि मर को रोटी के कोई ऐसे नहीं बोली दिस एंड दैट लाइफ तो आप 1000 साल के हो जाओगे काम तो कभी खत्म होंगे नहीं तो मैंने कहा मैं नो योर रीजन पर्टिकुलरली इफ यू आर इन पोजीशन नॉट टू गो देयर नो नो वीकेंड को फ्राइडे को हम मुर्दे को जलाते हैं सी ऑन मंडे इट हैपेंड अप टू फ्राइडे वो मुर्दे को ऐसे इंतजार करना पड़ेगा जैसा आपका मुर्दा कर रहा था और हैंडमेड का तो वही है एक चीज मैं जरूर बोलूंगा सब कुछ अच्छा था बच्चों से क्योंकि इनमें बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं आगे जाएंगे यही नई जनरेशन है हमारा जो सनसेट है इनको मैं जरूर बोलूंगा डायरेक्टर साहब को इनको कि ये जो बच्चे डायलॉग याद करके बहुत अच्छा बोलते हैं इनको थोड़ा हड़बड़ी कम करवाओ तो आपका लेवल बहुत ऊपर होगा एक बच्चों में रहता है कि मैं बोल दूँ दूसरा बोल जाए कर जाए इसी में अगर आप कुछ परसेंटेज पेशेंस लेके और उसको एंजॉय करके बोलेंगे ना कि देखो इतने लाइटिंग बहुत आ रही वो खुश होगा वो सैड है क्योंकि सारे शेड से इसमें सारे कलर से अगर आर्टिस्ट करना चाहें तो बहुत बहुत पावरफुल प्ले है आपका वो मैं खाली एक बड़ा होने के बाद सजेस्ट करूँगा बट आई एंजॉय एंड हैट्स ऑफ सबसे पहले तो मैं संध्या जी का और हमारे तमाम हमारे आर्टिस्टों का मैं आभारी हूँ कि इनके साथ रह के मुझे आपसे मिलने का मौका मिला तो मैं चाहता हूँ एक बार आप अपने लिए जोर से ताली बजाएं और टैगोर स्कूल में मेरा जुड़ाव हो चुका है पहले भी सुनीता राठौड़ जी आप जानते हो आप सब वो मेरी पिछले पिक्चर पक्की हीरोगिरी में परफॉर्मेंस कर चुके हैं एक्चुअली मिलने आए थे लेकिन अचानक मैंने उनको बोला मैंने मैम आप आर्टिस्ट का इतना प्यार आप आर्टिस्ट को इतना सम्मान देते हो तो ये भी एक पार्ट होती है तो उनको मैंने एक डायलॉग सीन कुछ दिया और अच्छा भी किया उन्होंने तो मेरी जो इच्छा हुई है कि शायद आप नीलू जी को जानते होंगे नीलू पीछे वाले जानते कि नहीं बाबो बाबो के नाम से तो घर घर में दहशत है मेरे साथ भी दहशत है लेकिन भावो ने आप देखिए नीलू ने अपना जो वजूद बनाया राजस्थानी फिल्मों से मैं आपको जो कहना चाहूँ उस बात को समझना उस लेडी ने सैल्यूट करता हूँ मैं उस नीलू को उस भोंगली को उस भावो को और आज की सत्यवती जो नई फिल्म की शुरू हुई मैं मायके चली जाऊंगी लेकिन ये मेरे लिए सपना होनी चाहिए लेकिन उस लेडी का जो आप बड़प्पन देखिए उससे जिंदगी भर चाहे गोविंदा से लेके बड़े बड़े स्टार के साथ काम किया ये सब हमारे से बहुत सीनियर होगी मेरे से ज्यादा बहुत अच्छा काम कर चुके मेरे को भी शुरुआत है नीलू का एक ही कहना था कि राजस्थान पूरी दुनिया में अलग है इसका कल्चर इसका सबसे ज्यादा है यहाँ पे प्यार और सम्मान बहुत है लेकिन हम कहीं ना कहीं हम अपने कलर और अपने कल्चर से इतना प्यार नहीं करते हम शर्मिंदा रहते हैं क्या हमें शायद में कोई गांव वाला समझेगा शायद हमें ये समझेगा लेकिन मैं आप सबसे कहता हूँ कि राजस्थान को पूरी दुनिया सैल्यूट करते हैं प्यार कीजिए आप वाकई में जिस दिन राजस्थान से प्यार हो जाएगा आपको बहुत खूबसूरत नज़ारे यही मिलेंगे और संजय जी का मैं आभार हूँ कि ये लड़ी सिर्फ और सिर्फ एक राजस्थान को जिंदा रखने के लिए हम तो काम कर रहे हैं लेकिन इनका एडवर्टाइजमेंट का काम होने के बाद राजस्थान के जो तमाम लोगों को कलाकारों को एक प्लेटफॉर्म देती है और सबसे खूबसूरत बात यह है कि कई बार जेब से नुकसान भी हो जाता है तो भी स्माइलिंग के साथ ही मिलती है ऐसे बहुत कम लोग होते हैं मैं चाहता हूँ एक बार इनके लिए जोर से तालियां और साथ में अनिल जी इनके साथ उनके जो दोस्त है मैं चाहूंगा ये वो पिलर है जिनके बगैर हम अधूरे प्लीज आगे तो मैं चाहता हूँ कि ये तालियां हमसे ज्यादा इनके लिए बजती थी
थैंक यू वेरी मच। और अब प्ले पे आते हैं। हमें खुशी इस बात की है कि हम सब लड़कियों में ये तो हुआ कि बोलेंगे। हमारे पहले शादी पहले माँ बाप नहीं बोलने देते और शादी के बाद हस्बैंड वाले नहीं बोलने देते। सच कह रहा हूँ कि नहीं? ये एक हमारा डिस्टेंस है क्योंकि हमारा रिस्पेक्ट है, यहाँ हम बोलते नहीं है। लेकिन आज कम से कम अपने जो टैलेंट है उसको ये बोल के ससुराल भी जाएगी तो बोलो कि हो सकता है कि कहीं ना कहीं इस टैलेंट को आगे ले जाके हो सकता है इनमें से कहीं आर्टिस्ट भी बन जाए। सारे डॉक्टर इंजीनियर तो नहीं बनेंगे, कोई कुछ और भी बन सकता है। तो इस जो प्ले के अंदर सबसे ज्यादा खूबसूरत बात ये लगी कि जो मोबाइल है उसने इंसानों को दूर कर दिया है। आप और हम सोचते हम एक हुए जबकि मैं आपको लाइक कर रहा हूँ, फॉर्मेलिटीज कर रहा हूँ, आप मुझे सिर्फ हाई कर रहे हो, आप अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी कर रहे हो क्योंकि हमारे पास डाटा जो जीबी हमने जो लिया हुआ है वो पूरा करना है। लेकिन हकीकत में इस लास्ट में ये बता दिया कि वो भी आपकी बातों से तंग आ चुके हैं, अगर एड्रेस दे दे तो वो खुद चला जाए। ऐसी नौबत हमारे घर में ना आए, हम प्रणय करें। थैंक यू सो मच। नमस्कार, राम राम। आज सबसे अलग बात यह है कि अगर कुछ यूनिक है आपके जूरी में नया श्री और वो पूरा ट्रेडिशनल कपड़े पहन के आई हैं, स्पेशली क्योंकि हमेशा टैगोर में परफॉर्मेंस होती है तो मोस्टली लड़कियां राजस्थानी ड्रेस पहन के परफॉर्म करती हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है। हम वीडियो आप लोगों के देखते हैं तो आप इतना अच्छे से ट्रेडिशनल ड्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं और राजस्थानी गानों पे आप डांस करते हैं और हम उनके परफॉर्मेंस देखते हैं तो नया ने बोला कि नहीं जब मैं टैगोर में जाऊँगी तो मैं राजस्थानी पहन के जाऊँगी। और जितनी भी लड़कियां हैं क्योंकि यहाँ सारी गर्ल्स ही हैं, हमें हमारे कल्चर के लिए कुछ ना कुछ अच्छा चाहिए क्योंकि राजस्थानी फिल्मों को अगर हम नहीं सपोर्ट करेंगे तो कौन सपोर्ट करेगा। और आज लास्ट प्ले के अंदर मैंने कहा अरविंद जी आ गए हैं तो अरविंद जी को आना चाहिए प्रैक्टिस के लिए। तो आज अरविंद जी हैं, सिद्धिश जी हैं, प्रोग्रामिंग हेड है, राजस्थान फिल्म फेस्टिवल की पूरी टीम है जो एक राजस्थानी कल्चर अवार्ड शो को हर साल बढ़ा बढ़ा के कर रही है मेहनत। इसके साथ में जो हम 45 कॉलेज में एक्टिविटी जो इस बार करी है उस एक्टिविटीज में जितना हम लोगों ने करने में मेहनत करी है उतना ही हमें कॉलेज ने अपना 2-3 घंटे जो देती है या बच्चे परफॉर्म करते हैं उनके एजुकेशन को उस टाइम वो थोड़ा सा होल्ड करके उनको परफॉर्म करने का मौका देते हैं। तो हमें कॉलेजों ने भी बहुत सपोर्ट किया, स्कूल्स में भी बहुत सपोर्ट किया, उसके लिए मैं सभी कॉलेज और स्कूल्स को थैंक यू बोलना चाहती हूँ राजस्थान कॉलेज। और 29 तारीख को मान पैलेस आपके जस्ट पास में ही है और अरविंद जी की रंगारंग परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। और राजस्थान फिल्म फेस्टिवल में अरविंद जी फर्स्ट टाइम परफॉर्म कर रहे हैं, इस बार नेहा मैम परफॉर्म कर रही है उस दिन। सिद्धिश जी बसंत सेठ के साथ में टार्जन द वंडर कार का जो हीरो है उसके साथ एंकरिंग कर रहे हैं सिद्धिश सर। और अपने जो चीफ गेस्ट हैं वो आ रहे हैं जितेंद्र सिंह जी, जितेंद्र जी जो एकता कपूर के फादर है और हमारे इंडस्ट्री के बहुत बड़े हीरो रहे हैं जीतू जी। और इसके अंदर गजेंद्र सिंह और भावो आपको उस दिन देखने को मिलेगी पूरी ट्रेडिशनल अवतार के अंदर क्योंकि 42 साल से वो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है। और उस दिन स्टेज पे 42 साल से की इतनी सारी यादें आपको सामने होगी जो नीलू जिन्होंने आपने उस टाइम हीरोइन में देखा आज वो भावा के कैरेक्टर में आपके सामने स्टेज पे होंगी। तो आप सबके सब पास किसी को मिला हो या ना मिला हो सबके सब मन पहले जा सकते हैं, वहाँ पे सब चीज अवेलेबल मिलेगी। थैंक यू सो मच मैम। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जूरी टीम का, हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर्स का। और अब मैं चाहूंगा कि जिन स्टूडेंट्स ने इतना हार्डवर्क किया है इस प्ले को लेकर और जिन्होंने अपनी जान लगा दी इस प्ले के लिए उनको ये मेहनत का फल मिलना चाहिए। पहले हम लोग चालू करेंगे सर्टिफिकेशन से, तो सेफ ड्राइव प्ले के एक्टर शीतल के लिए मैं बुलाना चाहूंगा सपना को भी स्टेज पर आ जाए अपना सर्टिफिकेट ले ले। सपना के लिए जोरदार तालियां हो जाए अपने दोस्तों के तालियों में कभी मत छोड़िए। सभी से गुजारिश है स्टेज पर बने रहे। हिमांशु प्लीज स्टेज पर आ जाए, एक बार हिमांशु को तालियां हो जाए।
एंड उनके बाद प्रियंका एक बार फटाफट स्टेज पर आ जाए। इनका काफी लंबा रोल था, ये वॉच भी बनी है, टीम भी बनी, फिर ये फर्स्ट कैन भी बनी और फिर ये एंटर पार्किंग में भी बनी। थैंक यू सो मच नितिका, प्लीज स्टेज पर आ जाए, सभी लोग स्टेज बने रहे नितिका एज बाइक शावर एंड कुंडला। क्या बात है नितिका, के पास बताने हो जाए। मयंका एज मेन लीड के लिए भी अप हो जाए। रिवर्स भी बहुत ही अच्छा था इनके प्ले में। रिचा कल प्लीज जाए। Tanisha as doctor, please फटाफट स्टेज पे आ जाए डॉक्टर साहब। उसके बाद तनु as पुलिस एंड मिरर, फटाफट स्टेज पर आ जाए सभी लोग। स्टेज पर बने रहिए, एक पिक्चर हमारी जूरी के साथ अभी हम लेंगे। उसी के साथ मोनिका as गुंडा एंड पिलर कुमार, ओहो आ जाए फटाफट से स्टेज पर मोनिका। मोनिका के पास होता है मुझे, दिस इज द होल कास्ट ऑफ सेफ ड्राइव प्ले जो आपने अभी देखा। बच्चों को आगे करके थोड़ा सा सीधा सर्टिफिकेट लेके बैठ जाए और जी बिल्कुल प्लीज आगे आगे आ जाएं। उसी के बाद सेकंड थिएटर प्ले मुर्दा घर में है, उसके कास्ट को भी हम बुलाएंगे एक बार। आप प्लीज अपनी जगह ले लें इस पिक्चर के लिए। एक बार पूरी प्ले कास्ट के लिए जोरदार तालियां बजती जाएं। बहुत ही खूबसूरत प्ले आप सभी ने किया, आपकी मेहनत रंग लाई है एंड चेहरों पे बहुत ही प्यारी मुस्कान। उसी के साथ मैं चाहूंगा कि अब हमारे सेकंड प्ले जिसका नाम है मुर्दा घर में है, उसके एक्टर आयुषी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। आयुषी मैं चाहूंगा कि आप स्टेज पर आ जाएं। चंचल भी स्टेज पर आ जाएं। रुचिका प्लीज स्टेज पर आ जाए। रुचिका के लिए बस बहुत तालियां हो जाए। तनिष्का प्लीज स्टेज पर आ जाए एक बार। एंड नितिका के लिए भी एक बार जोर तालियां हो जाए। दादाजी हमारे क्या बात है, दादाजी के लिए तालियां हो जाए। हम आपको एड्रेस जरूर बता देंगे। एंड मीनाक्षी जी एक बार स्टेज पर फटाफट से आ जाए। नरेकर के ये एंड काफी और भी रोल्स इन्होंने निभाए मीनाक्षी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दीक्षा प्लीज स्टेज पर आ जाए। हमारे पूरी थिएटर के कास्ट के लिए वापस से जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर द ब्यूटीफुल प्ले। और अब मैं चाहूंगा कि थिएटर प्ले की ट्रॉफी पूरा थिएटर प्ले जो कास्ट है वो आगे आके ट्रॉफी एक्सेप्ट करें फ्रॉम द साइड ऑफ राजस्थान फिल्म फेस्टिवल। मैं चाहूंगा प्रिंसिपल मैम और वाइस प्रिंसिपल मैम भी स्टेज पर हमें ज्वाइन करें प्लीज मैम। इन दोनों के लिए बस तालियां हो जाए। सारी पूरी थिएटर कास्ट की टीम प्लीज एक बार आगे आ जाए, सर्टिफिकेट और ट्रॉफी एक्सेप्ट करें राजस्थान फिल्म फेस्टिवल के साइड। थैंक यू सो मच टू द टैगोर पीजी गर्ल्स कॉलेज, उन्होंने इतना शानदार थिएटर प्ले हमारी जूरी और हम सभी को 5,000 रुपीस का कैश प्राइज पूरी चाहूंगा तरफ से गिफ्ट हैंपर फ्रॉम द साइड ऑफ राजस्थान फिल्म फेस्टिवल टू प्रिंसिपल मैम
एंड वाइस प्रिंसिपल मैम एंड अनुपम मैम, ये आपके लिए थैंक यू सो मच. आपने हमसे इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन रखा एंड आपके सुर से बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोगों को देखने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. एक बार वापस से तालियां हो जाए अनुपम मैम प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल मैम के लिए. थैंक यू सो मच. So last but not the least, 27th of September को आज हमारा आखिरी थिएटर प्ले टैगो पीजी गर्ल्स कॉलेज में अभी खत्म हो चुका है. And this event was highly successful because of you all. एक बार ऑडियंस खुद के लिए तालियां बजाने पड़ा उसे. बहुत ही शानदार ऑडियंस थी. And कल यानी 28th of September को इंटर स्कूल इंटर कॉलेज डांस कंपटीशन संस्कृति ऑडिटोरियम में ऑर्गेनाइज हो रहा है. यहाँ पर आपकी के कॉलेज से भी टीम मौजूद होगी. लास्ट ईयर कॉम्पिटिशन में भी आपकी टीम जीती थी और इस साल आशा है कि इस साल भी जीते. सो मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि कल भी अपने डांस टीम को थोड़ा मोटिवेट करने के लिए संस्कृत ऑडिटोरियम में आप सभी मौजूद रहे. टीचर से भी गुजारिश है कि प्लीज आप वहां पर अपने स्टूडेंट्स का हौसला बढ़ाने के लिए संस्कृत ऑडिटोरियम में मौजूद रहे डांस कॉम्पिटिशन के लिए. उसके बाद 29th ऑफ सितंबर को राजस्थान फिल्म फेस्टिवल 6th अवार्ड सेरेमनी जो कि लाइव अवार्ड शो होगा शाम को, आप सभी वहां पर भी इनवाइटेड हैं. वहां पर आए और एंजॉय करें राजस्थान फिल्म फेस्टिवल. एंड थैंक यू सो मच फ्रॉम द साइड ऑफ राजस्थान फिल्म फेस्टिवल वी आर पार्टिसिपेंट. थैंक यू सो मच. जी प्रेजेंट्स ओसवाल सोप ग्रुप राजस्थान फिल्म फेस्टिवल powered by Siddhi Ananta Group, the biggest award night of Rajasthani cinema. Meri jaan, meri shaan, pehchaan sa lage, swabhimaan, abhimaan, muskaan.